दीजिए। देखिए मैं एक्चुअली में ये जो कैंप लगा हुआ है ये कैंसर को देखते हुए कैंप लगाया गया है, क्योंकि आज के देश में कैंसर एक बहुत भयानक बीमारी है और कैंसर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कैंसर को फर्स्ट स्टेज पर डिटेक्ट किया जाए, और इस बस के माध्यम से हम कैंसर के फर्स्ट स्टेज का डिटेक्शन कर रहे हैं। तो ये मोबाइल वैन हॉस्पिटल है, चलता फिरता अस्पताल तरीके से इसको कह सकते हैं। तो ये आप लोगों की जो वैन सर्विस है ये आप लोगों ने कहाँ कहाँ सर्विस दिया अभी तक? बिहार में दिया है? बिहार में अभी हम लोगों ने करीब 10-12 जगह वहाँ पे कैंप किया, आपका पूर्णिया और गुलाबबाग और मतलब कि रोसड़ा किशनगंज जैसे करके हमने बिहार के विभिन्न जगहों पे आप लोगों ने कैंप किया है। अच्छा, इस कैंप में आप लोगों पेशेंट्स को किस तरह की सर्विस मुहैया करते हैं, क्या देते हैं? देखा जाए तो पूरे इंडिया में कैंसर 100 प्रकार के हैं, बट हम इस गाड़ी में 8-9 प्रकार के कैंसर की जांच कर रहे हैं जो इंडिया में बहुत ही कॉमन कैंसर है, जैसे ब्लड कैंसर के लिए हम कर रहे हैं, प्रोस्टेट कैंसर के लिए कर रहे हैं, रेक्टल म्यूटेशन या कोलन कैंसर के लिए कर रहे हैं, ओवरी कैंसर के लिए कर रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर के लिए कर रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर के लिए कर रहे हैं, लंग कैंसर के लिए कर रहे हैं और ओवरी कैंसर के लिए कर रहे हैं और थ्रोट कैंसर के लिए थ्रोट डिस्ट्रो करते हैं। तो बेसिकली आप लोग कैंसर डिटेक्ट करके उसको पेशेंट को बताते हैं और आगे इलाज करवाने के लिए कहते हैं। कैंसर हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, क्योंकि कैंसर से बहुत सारे लोग मर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है। हम इस गाड़ी के माध्यम से लोगों को फर्स्ट स्टेज की स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं और उनके अंदर एक जागरूकता भी ला रहे हैं। सर, ये आपकी जो सर्विस है ये पूरे भारत में है, कहीं भी दिया जाता है? देखिए ये मारवाड़ी अमल के थ्रू चलाई जा रही है, मारवाड़ी अमल का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, जिसका कि मैनेजमेंट दिल्ली से होता है और हम मारवाड़ी अमल के विभिन्न मतलब कि ब्रांचों में जाकर के कैंप करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे आपका जयनगर में मारवाड़ी अमल की जो शाखा है अभी वो कैंप करवा रही है, आज वो कैंप हो रहा है जी। सर, आपका परिचय जानना चाहिए? मेरा नाम आनंद सिंह है, मैं इस गाड़ी का जानकू हूँ। तो क्या बताते हैं, क्या चीज़ में मदद करते हैं? नॉर्मली जो गांव की औरतें होते हैं उन लोगों को ये एहसास नहीं होता कि उनकी बीमारी किस तरीके से जा सकती है, कई बार ऐसे सिम्टम होने के बावजूद भी डॉक्टर तक पहुंचने में उनको सालों लग जाते हैं। तो हम उन लोगों को मेनली दो तरह के कैंसर यानी कि ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग दे रहे हैं, उन लोगों की हिस्ट्री और सब चीज़ों से पता लगा रहे हैं कि किसमें ये सिम्टम कैंसर की तरफ जा सकते हैं। अगर ऐसी कोई भी महिला है जिसकी छाती में कुछ गांठ है, किसी भी तरह का एबनॉर्मल सिम्टम दिख रहा है तो उनकी मेमोग्राफी करा रहे हैं, और अगर किसी औरत की बच्चेदानी में घाव है या ब्लीडिंग है या महावारी की अनियमितता है, अगर ऐसा कोई डाउटफुल सिम्टम है तो उनका पैप स्मीयर जाँच करा रहे हैं। ये दोनों एक स्क्रीनिंग जाँच है जिससे हमें पता चल सकता है कि क्या उनको कैंसर है या होने की संभावना है। अच्छा, जितने पेशेंट्स आप तक आए हैं अभी तक, देखा गया है कि ये इलाका बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो वेल डेवलप नहीं माना जाता है, वेल एजुकेटेड नहीं माना जाता है, तो लोगों में पेशेंट के हिसाब से जैसा आप देख रहे हैं कितनी अवेयरनेस आपको लग रही है या क्या अभी तक ये भी डिटेक्शन हुआ है कैंसर का? डेफिनेटली एक पेशेंट तो डायरेक्टली मुझे वो ब्रेस्ट कैंसर नहीं, वो तो कोलोनिक कैंसर है, हंगेटिंग ग्रोथ है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उसने कभी डॉक्टर को नहीं दिखाया। और मुझसे एक और भी महिला मिली है जिनमें फ्रंट एक गांठ है छाती में, और आज पहली बार उसका मेमोग्राफी कराने जा रहे हैं। बाकी कुछ लोग हैं जो जिनको कोई भी परेशानी नहीं है और वो नॉर्मल स्क्रीनिंग के लिए भी आए हैं। अगर अल्टरनेटिव में देखा गया है कि आप अगर किसी पेशेंट को आपसे अगर कंसल्ट करना हो तो आप कहाँ काम करते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम डॉक्टर श्रुति मंगल है, मैं मुजफ्फरपुर में इंदिरा IVF इनफर्टिलिटी सेंटर है। ऐसी महिलाएँ जिनको शादी के कई साल बाद भी बच्चे नहीं होते हैं उनके लिए इनफर्टिलिटी का इलाज और IVF करती हूँ मैं। IVF क्षेत्र में अभी मुजफ्फरपुर ब्रांच में इंदिरा IVF परिवार के बीच में भी बात, इसलिए कहते हैं कि ये जो खुद जांच हो रही है जो कि कैंसर की, वो एक हम लोगों के लिए मारवाड़ी गवर्नमेंट के द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है, बहुत अच्छा काम किया जा रहा है कि ना पहले ही पता चल जाए कि ना कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी लोगों को नहीं लगे।
अक्सर देखा गया है कि जो हमारा क्षेत्र है वो इस चीज में थोड़ा पिछड़ा हुआ है, तो इस तरह का कैंप आप चाहते हैं कि बराबर करवा रहे हैं? बराबर लगता रहे और हम लोगों को इस बीमारी की पूर्ण जांच पहले ही जांच में पता चल जाए कि ना क्या हो, ताकि इसका सुचारू इलाज करा जाए। क्या नाम हुआ आपका? नाम पढ़ते हैं, क्या नाम हुआ आपका? इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये जो मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा कैंप लगाया गया है जयनगर में, लोगों ने काफी अच्छा काम किया है, युवा मंच के सभी सदस्यों को हम बधाई देते हैं, ऐसा काम बराबर करते रहे। इस तरह का कैंप आगे भी बराबर इस संबंध में यही कहना है कि ये जो हम लोग का मारवाड़ी युवा मंच का जो कैंसर डिटेक्ट वैन जो आई है, ये कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करना है। जो छोटी मोटी बीमारियां होती है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, जिनके कारण आगे ये और भयावह रूप ले लेती है, और ये कैंसर की जानकारी हो सभी वर्ग के लोगों में अवेयरनेस हो, अभी तक नहीं है इस क्षेत्र के लोगों में, इसके लिए आप लोगों ने ये मेडिकल कैंप लगाया ताकि लोगों को पता चले और आगे इसका नियमित इलाज करा सके। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम हुआ झारखंड की हमारी शाखा के द्वारा एक प्रोजेक्ट लाया गया था कि कैंसर के लिए लोगों को अवेयरनेस करना, इसके लिए हम लोगों ने ये वैन डिसाइड किया। कैंसर को अवेयरनेस करने के लिए हम लोगों ने एक मोबाइल वैन डिसाइड किया। हम कहीं किसी हॉस्पिटल में जाके अगर कैंप लगाते हैं तो वो कम कैंप लगेगा, लेकिन अगर हम डोर टू डोर जाएंगे तो अवेयरनेस ज़्यादा होगी। और ये वैन 2015 से कार्यरत है, 4 सालों में इस वैन ने 1.25 लाख लोगों की जांच की है और लगभग 70,000 किलोमीटर का पूरे भारतवर्ष में सफर तय किया है। सर आपका परिचय जाना जी? मेरा नाम युवा प्रतीक सूर्य का है, मैं जगह कुछ शाखा का सचिव।